दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, अर्थात सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने अवोगाद्रो परिकल्पना पढ़ी थी, याद है या भूल गए? चलो मैं आपको एक बार और याद दिलाता हूँ। कौन सी परिकल्पना पढ़ी थी लास्ट में? अवोगाद्रो परिकल्पना। क्या थी, आपको याद आ रही है? नहीं आ रही तो मैं याद दिलाता हूँ। समान ताप और दाब पर दो गैसें हैं, मान लो एक ऑक्सीजन गैस है इस बर्तन में और इसमें नाइट्रोजन गैस है। समान ताप और दाब पर, मतलब टेम्परेचर भी सेम है और प्रेशर भी सेम है। अच्छा, समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में, इनका आयतन दोनों का बराबर है, मान लो ये भी गैस 100 ml है और ये भी 100 ml है, तो समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में, आयतन भी समान है तो इनमें अणुओं की संख्या भी समान होगी। जैसे अगर इसमें मान लो 50 अणु हैं तो इसमें भी 50 अणु होंगे। ये अवोगाद्रो परिकल्पना है। क्या दोबारा बोलूं? समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में, दो गैस हैं जैसे उनके आयतन समान है, तो गैसों के समान आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या भी समान होगी, बराबर होगी। इसमें 100 अणु है तो इसमें भी 100 अणु होंगे अगर दोनों के आयतन समान है तो। अवोगाद्रो परिकल्पना क्लियर? समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या भी समान होती है। हाँ, फिर मैंने आपको पढ़ा रहा था अवोगाद्रो परिकल्पना के उपयोग। मैं आपको तीन उपयोग पढ़ा चुका था। पहला उपयोग पढ़ाया था मैंने गैसीय तत्व की परमाणुता ज्ञात करने में, ठीक है। दूसरा उपयोग पढ़ाया था मैंने किसी अणु का अणुसूत्र ज्ञात करने में, और तीसरा उपयोग पढ़ाया था मैंने किसी गैस के वाष्प घनत्व व अणुभार में संबंध, ठीक है। अरे, किसी गैस के वाष्प घनत्व और अणुभार में संबंध, तो वो आया था अणुभार बराबर 2 गुना वाष्प घनत्व। तो हम तीन अनुप्रयोग पढ़ चुके थे अवोगाद्रो परिकल्पना के, और अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम अवोगाद्रो परिकल्पना का फोर्थ अनुप्रयोग पढ़ते हैं, चौथा अनुप्रयोग, ठीक है। यह अनुप्रयोग है गैस के आयतन वह बाहर में संबंध। क्या है? गैस के आयतन और भार में संबंध। जैसे गैस का आयतन दे दिया मैंने, ये कोई गैस है, इसका आयतन है मान लो 5 लीटर, तो इसका भार कितना है, इसका वजन कितना है? तो गैस के आयतन और भार में क्या संबंध है वो हम समझेंगे। ये भी अवोगाद्रो परिकल्पना का उपयोग है, ठीक है। ये भी किसका उपयोग है? अवोगाद्रो परिकल्पना का उपयोग है। अच्छा, अब मेरी बात को आप समझना। अवोगाद्रो परिकल्पना के द्वारा हम ये सिद्ध कर सकते हैं, ढंग से सुनना। अवोगाद्रो परिकल्पना के अनुसार हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि सामान्य ताप व दाब पर, मैंने एक शब्द बोला, क्या सामान्य ताप व दाब पर, सामान्य ताप जो होता है ये होता है 273 केल्विन, और सामान्य दाब जो होता है ये होता है 1 ATM। ये आपको ध्यान होना चाहिए। कोई कहे सामान्य ताप व दाब, तो सामान्य ताप 273 है केल्विन में और सामान्य दाब है 1 ATM। कोई कहे मानक ताप व दाब, तो वो भी यही है। सामान्य ताप या मानक ताप एक ही बात है, सामान्य ताप या मानक ताप भी 273 है। तो हम एक बात कह सकते हैं, ढंग से सुनना, कि मानक ताप व दाब पर किसी गैस, ठीक है, किसी गैस के ग्राम अणुभार का आयतन, ठीक है। तो मैं एक शब्द और बोला मैंने ग्राम अणुभार, बहुत कठिन बात बता रहा हूं मैं, तो ढंग से समझना।
तो बॉस तो ग्राम अनुवार क्या होता है ना। तो कई बात बता रहा हूं, इन्हें ढंग से समझ लेना। ग्राम अनुभार मतलब जैसे गैस है ऑक्सीजन, इस बर्तन में ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस का अनुभार कितना होता है? तो आप जानते हैं ऑक्सीजन गैस का अनुभार मतलब अणु का भार। एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, तो अणु का भार होगा 32, क्योंकि अणु है O2 जिसमें दो ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन का भार 16, तो 2 × 32, तो ऑक्सीजन गैस का अनुभार होता है 32। और इसको ग्राम में दर्शाएं तो ये बन जाएगा इसका ग्राम अनुभार। जैसे मैंने आपसे कहा नाइट्रोजन गैस का ग्राम अनुभार कितना है, तो नाइट्रोजन गैस N2 अणुओं से बनी होती है और N2 अणु का भार होता है कितना, 28। इसको ग्राम में दर्शाऊं मैं तो ये बन गया ग्राम अनुभार। अनुभार को ग्राम में दर्शाएं हम, अणु का वजन है 28, अनुभार को ग्राम में दर्शाएं तो क्या बन जाता है, ग्राम अनुभार। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा था, सामान्य ताप या मानक ताप व दाब पर किसी गैस के ग्राम अनुभार का आयतन 22.4 लीटर होता है, है? मान लो सामान्य ताप दाब पर यह गैस है N2 गैस, है ना, इसका मैं 28 ग्राम लूँ मतलब ग्राम अनुभार लूँ मैं, तो इसका आयतन कितना आएगा, 22.4 लीटर। तो कोई सी भी गैस हो सामान्य ताप दाब पर, उस गैस के ग्राम अनुभार का आयतन, ग्राम अनुभार समझ गए, अनुभार को ग्राम में दर्शाएं, तो उस गैस के ग्राम अनुभार का आयतन 22.4 लीटर होता है। तो ये गैस के आयतन और गैस के भार में संबंधित तो है, हैं? हैं? बात को समझो। और इस बात को हम किससे सिद्ध कर सकते हैं, अवोगाद्रो के नियम से, अवोगाद्रो परिकल्पना से। देखो मैं सिद्ध करूंगा, तो पहले इस बात को लिख देता हूं मैं, है ना, लिख सकते हैं अवोगाद्रो परिकल्पना से। बड़ी कठिन बात है तो आपको पूरी बुद्धि से समझनी है। अवोगाद्रो परिकल्पना से, ठीक है, अवोगाद्रो परिकल्पना से यह सिद्ध कर सकते हैं, यह सिद्ध कर सकते हैं कि किसी सामान्य की जगह मानक लिखता हूँ, कि मानक ताप, कोष्टक में लिख देता हूँ आपके याद रहे इसलिए, 273 केल्विन व दाब, मानक ताप व दाब, मानक ताप कितना होता है 1 ATM पर। तो अवोगाद्रो परिकल्पना से ये सिद्ध कर सकते हैं कि मानक ताप व दाब पर किसी गैस के ग्राम अनुभार कितना होता है, एम ग्राम। एम क्या है, इस गैस का अनुभार, और इसको ग्राम में दर्शा दिया, तो ग्राम अनुभार समझ गए ना, किसी गैस के अनुभार को मैंने एम सिंबल दिया है, और ग्राम से दर्शाएं तो वो बन जाएगा ग्राम अनुभार। जैसे ऑक्सीजन गैस का अनुभार कितना होता है, 32, पर अगर मैं इसे 32 ग्राम लिखूं तो ये ऑक्सीजन गैस का क्या है, ग्राम अनुभार। तो किसी गैस के ग्राम अनुभार का आयतन कितना होता है भाई, 22.4 लीटर होता है। तो और ये संबंधी तो है, किस किस में संबंध है, ये द्रव्यमान भार व आयतन में संबंधित तो है। अब इसको हम सिद्ध करते हैं, और इसको हम सिद्ध कर सकते हैं किससे, अवोगाद्रो के नियम से, मतलब हम अवोगाद्रो परिकल्पना से गैस के आयतन और भार में संबंध सिद्ध कर सकते हैं, जो मैंने लिखा है इसको सिद्ध कर सकते हैं। देखो मैं करता हूं, आपने पढ़ा है वाष्प घनत्व बराबर, किसी गैस का वाष्प घनत्व क्या होता है मुझे बताओ। तो आपने पढ़ा है किसी गैस का वाष्प घनत्व जो होता है वो होता है उस गैस, मान लो मैं लेता हूँ मानक ताप दाब पर,
माता दा मानक ताप दाब पर उस गैस के एक लीटर का भार बटे मानक ताप दाब पर हाइड्रोजन गैस के एक लीटर का भार। बोलो सही है क्या? अपन ने पढ़ा था पिछली क्लास में वाष्प घनत्व क्या होता है, किसी गैस के निश्चित आयतन का भार और हाइड्रोजन गैस के उतने ही आयतन का भार का अनुपात। तो कोई गैस है उसके एक लीटर का भार और हाइड्रोजन गैस का भी तो एक लीटर लिया है, तो किसी गैस के निश्चित आयतन का भार व हाइड्रोजन गैस के उतने ही आयतन के भार का अनुपात वाष्प घनत्व कहलाता है। तो बताओ मानक ताप दाब, दोनों ताप दाब समान है, मानक ताप दाब ही लिए हैं मैंने, समान ताप दाब है उस गैस के, जिस गैस का वाष्प घनत्व एक लीटर का भार और हाइड्रोजन गैस के उतने ही मतलब एक लीटर के भार का अनुपात, बताओ उस गैस का वाष्प घनत्व होगा कि नहीं होगा? लास्ट क्लास में बताया था मैंने, ये देख लो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है। अच्छा, स्टैंडर्ड होता है मानक ताप दाब पर हाइड्रोजन गैस जो होती है उसके एक लीटर का भार होता है 0.09 लीटर। मानक ताप दाब पर हाइड्रोजन गैस के एक लीटर का भार कितना होता है? 0.09 लीटर, जो हम ले सकते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। तो हम कह सकते हैं किसी गैस का वाष्प घनत्व बराबर क्या आ जाएगा? मानक ताप दाब पर मानक ताप दाब पर उस गैस के एक लीटर का भार बटे हाइड्रोजन गैस के एक लीटर का भार कितना होता है? 0.09 लीटर। 0.09 ग्राम हाइड्रोजन गैस के एक लीटर का भार होता है 0.09 ग्राम। क्लियर? ग्राम। अच्छा, वाष्प घनत्व का फॉर्मूला लास्ट में जो आया था वो था, ध्यान करो, अनुभार बराबर आया था 2 गुना वाष्प घनत्व। पिछली वीडियो को ढंग से देखना है? तो हम लिख सकते हैं वाष्प घनत्व की जगह पर अनुभार बटे दो, मतलब उस गैस का अनुभार बटे दो। तो हम लिख सकते हैं ऐसे, उस गैस का अनुभार बटे दो, अनुभार का सिंबल एम लिख सकता हूं मैं, बटे दो बराबर उस गैस का एक लीटर का भार है, माता दा पर ही चल रहा है ये सब, एक उस गैस के एक लीटर का भार, मानक ताप दाब ये है ना, मानक ताप दाब पर उस गैस के एक लीटर का भार, मानक ताप दाब पर ये बटे 0.09 ग्राम। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ गैस के माता दाब पर, मानक ताप दाब पर गैस के एक लीटर का भार कितना है, तो आप कर सकते हो इसमें पूरे में 0.09 का गुना हो जाएगा, एक लीटर गैस का भार आ जाएगा, नहीं आ जाएगा क्या? तो हम लिख सकते हैं यहाँ जो ये अपने पास आया है इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गैस के मानक ताप दाब पर गैस के एक लीटर का भार है m गुना 0.09 बटे दो। सही है? तो हम लिख सकते हैं नीचे आते हैं, मानक ताप दाब पर गैस के एक लीटर का भार कितना आ रहा है? एक लीटर का भार कितना आ रहा है निकाल लो, ये आएगा 0.09 बटे है ना गुना एम बटे दो, यही आएगा क्या? देख लो भाई। अच्छा, ग्राम में आएगा ये, इतने ग्राम आएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या भाई उल्टा, इतने ग्राम गैस का आयतन एक लीटर आएगा। भाई गैस के एक लीटर का भार इतना है तो इतने ग्राम गैस का आयतन एक लीटर है, अतः हम ऐसे भी कह सकते हैं इसलिए 0.09 इंटू एम बटे दो ग्राम गैस का आयतन कितना है,
गैस का आयतन है 1 लीटर, आयतन कितना है 1 लीटर। तो बताओ मुझे, अगर मैं आपसे कहूं एम ग्राम गैस का आयतन बताओ कितना आएगा, चूंकि से निकालो एम ग्राम गैस का आयतन, ये माता दा पर है सब कुछ है ना, एम ग्राम गैस का आयतन कितना आएगा। तो आपने कहा एम ग्राम गैस का निकालना है, तो ये 2 × इसमें चला जाएगा, गुना हो जाएगा ना इसमें 1 में, तो एम ग्राम गैस का आयतन आएगा 2/0.09, जो कि सॉल्व करने पर 22.4 लीटर आता है। तो जो बात मैं कर रहा था वो मैंने सिद्ध तो कर दी कि माता दा पर एम ग्राम गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है, यही तो लिख रहा है। माता दा पर मानक ताप दाब पर किसी गैस के एम ग्राम का आयतन 22.4 लीटर होता है, बताओ क्या नहीं सिद्ध हुआ इसमें है। पर इसको सिद्ध करने में ये नहीं है दोस्तों, आप इजीली कर लोगे, पुरानी नॉलेज होनी चाहिए। मैंने कहा मानक ताप दाब पर किसी गैस के एम ग्राम मतलब ग्राम अणुभार का आयतन 22.4 लीटर होता है। तो वही चीज सिद्ध करने के लिए मैंने बाष्प घनत्व का ये फॉर्मूला लिया, बाष्प घनत्व का ये फॉर्मूला है, बाष्प घनत्व का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, समान ताप दाब पर किसी गैस के निश्चित आयतन का भार पर हाइड्रोजन गैस के उतने ही आयतन के भार का अनुपात बाष्प घनत्व कहलाता है। तो मानक ताप दाब मतलब दोनों गैसों के समान ताप दाब हो गए, उस गैस का जो भी कोई गैस है उसके 1 लीटर का भार वह हाइड्रोजन गैस के भी 1 लीटर का भार, समान आयतन का भार, हाइड्रोजन गैस के 1 लीटर का भार 0.09 होता है। तो और बाष्प घनत्व का फॉर्मूला भी एक ये भी होता है, अनुभार बराबर 2 गुना बाष्प घनत्व, मतलब बाष्प घनत्व का एक फॉर्मूला भी होता है अनुभार 2। तो उस गैस के 1 लीटर का भार निकल आएगा 0.09 m/2। तो 0.09 m/2 ग्राम गैस का आयतन 1 लीटर होगा, मैंने उल्टी चूंकी जमा दी, तो 1 ग्राम गैस का आयतन कितना आएगा, एम ग्राम गैस का आयतन कितना आएगा, ये इसमें गुना हो गया, और 2 में जब 0.09 का भाग लगता है तो 22.4 लीटर आता है। तो इससे ये निष्कर्ष निकल गया कि मानक ताप दाब पर एम ग्राम गैस का आयतन, एम ग्राम मतलब ग्राम अणुभार, एम ग्राम मतलब जैसे ऑक्सीजन गैस है उसका एम ग्राम 32 ग्राम है, एम ग्राम मतलब उस गैस का अणुभार किसमें, ग्राम में। ऑक्सीजन गैस का ग्राम अणुभार कितना होता है, एम ग्राम का मतलब ग्राम अणुभार कितना होता है, 32 ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस का आयतन 22.4 लीटर होगा। तो एक शानदार चीज समझाई है मैंने, इसमें बहुत शानदार दिमाग से आपने समझने की कोशिश करी होगी तो बहुत मजा आएगा। वीडियो को पॉज करें और इसे यहां तक नोट करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये नोट करा आपने, मैं दोस्तों एक बात कहता हूं, ये टॉपिक जो पढ़ा है आपने, ये टॉपिक आपके समझ में जब आएगा जब आपने इससे पहले वाला जो उपयोग था अवोगाद्रो परिकल्पना का, अनुभार और बाष्प घनत्व में संबंध, वो आपने ढंग से समझा है तो ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब लड़के के ये समझ में नहीं आ रहा है, पर क्या कर रहा है वो आलस्य कर रहा है। अरे पिछली वीडियो में जा और जा करके वहाँ पर अनुभार और बाष्प घनत्व वाले संबंध को ढंग से पढ़, तब ये समझ में बैठेगा आपके, नहीं तो नहीं बैठेगा। ठीक है, तो टॉपिक को समझने की कोशिश करो, और समझने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ सकती है, कठिन टॉपिक है तो समझने में मेहनत करनी पड़ सकती है, तो मेहनत से कतराए नहीं। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये 4 अनुप्रयोग आपको ध्यान रखने हैं, किसके, अवोगाद्रो परिकल्पना के। इसके बाद हम नेक्स्ट अब आगे पढ़ते हैं, और आगे पढ़ेंगे हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जो आप छोटी क्लासों में पढ़ते आए हो पहले से ही। ठीक है, तो अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, अच्छा मेरी बात सुनो, सन 1808 में जॉन डाल्टन, डाल्टन का पूरा नाम है, सन 1808 में जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत दिया। ठीक है, और जिसके प्रमुख बिंदु क्या हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात रखो, याद रखो कि ये कौन से सन में दिया गया, 1808 में, कौन से वैज्ञानिक ने दिया, जॉन डाल्टन ने। तो हम यही बात लिख सकते हैं, जॉन डाल्टन ने सन,
कौन से सन में? 1808 में। तो जॉन डाल्टन ने सन 1808 में परमाणु सिद्धांत दिया। परमाणु सिद्धांत दिया, ठीक है, जिसके प्रमुख बिंदु निम्न हैं। अब प्रमुख बिंदु क्या है यह आपने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। तो इसके प्रमुख बिंदु, नंबर एक, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। बात तो सही है, या पदार्थ या तो अणुओं से बना होता है या परमाणुओं से, तो अणुओं के अंदर भी तो परमाणु होते हैं, तो किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। सबसे छोटा कण, भाई ये सिद्धांत परमाणु की ही बात करेगा, परमाणु सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत का प्रथम बिंदु हम ये कह सकते हैं, ये कहना चाहता है कि इस पदार्थ का सबसे छोटा कण, सबसे छोटा अविभाज्य कण, पहले ये लिख देता हूं, सबसे छोटा कण परमाणु होता है, ठीक है। ये बात तो सही है जहां तक। दूसरी बात ये कहना चाहता है परमाणु अविभाज्य कण है, मतलब परमाणु को आगे विभाज्य नहीं किया जा सकता, आगे तोड़ा नहीं जा सकता। ये डाल्टन की बात चल रही है जो उसने कहा परमाणु अविभाज्य कण है, मतलब परमाणु को आगे विभाजित हम नहीं कर सकते, छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांट सकते। अच्छा, तीसरी बात, किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, जैसे मैंने तत्व ले लिया ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस में जितने भी परमाणु हैं वो परमाणु हैं, इसमें O2 अणु है, O2 अणु में, तो किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। बेसिक देखें तो सही लग रही है सारी बात, अर्थात इसका मतलब क्या है, अर्थात इनके गुण जैसे द्रव्यमान, आकार आदि समान होते हैं। मतलब किसी तत्व के सभी परमाणु एक जैसे, मतलब उन परमाणुओं के गुण मैच करते हैं, आकार द्रव्यमान आदि सब कुछ समान होते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे कह सकते हैं भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग तत्व लोगे एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन तो परमाणु तो अलग अलग होंगे, तो ये बात भी सही है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। बात को समझोगे तो ये सिद्धांत बड़े मजेदार है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। नंबर चार, नंबर पांच, दो भिन्न तत्वों के परमाणु, या नू कहूं मैं आपस, सीधा सिंपल कहूं, परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। बात सही है, जैसे दो परमाणु आपस में जुड़ करके मिले तो अणु बनाते हैं, परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं, ठीक है। तो परमाणु आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, अणु। और लास्ट बात याद रखना जो ये कहना चाहता है, परमाणु अनश्वर है। अनश्वर मतलब परमाणु को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट, जैसे ऑक्सीजन परमाणु है उसको न तो हम बना सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, तो ये भी कहना चाहता है परमाणु अनश्वर है, अर्थात किसी परमाणु को न तो बनाया जा सकता है, न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। और न ही नष्ट किया जा सकता है,
तो मैंने पांच बात कही, इन्हें ढंग से देखो एक बार। पहली बात तो ये कही कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने सन 1808 में दिया, और इस परमाणु इसके प्रमुख बिंदु ये पांच या छह जितने बिंदु हैं ये हैं। ये पहला चाहता है, पहला बिंदु कि परमाणु, सोचो एक बार सपात को कि परमाणु जो है ये पदार्थ का सबसे छोटा कण है। सही बात है यार भाई, पदार्थ जो है वो अणु या परमाणु से बने होते हैं, तो पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु ही तो हुआ। फिर कहना जाता है परमाणु अविभाज्य है, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। फिर तीसरी बात कह रहा है किसी तत्व के सभी परमाणु, तत्व है, तत्व में अंदर या तो अणु होंगे, पर तत्व कोई भी हो उसके सभी परमाणु समान होते हैं, मतलब आकार में, द्रव्यमान में, सब चीज़ में, आयतन में समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न अलग अलग तत्व लोगे, एक ऑक्सीजन तत्व और एक नाइट्रोजन तत्व, मतलब एक ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस, तो उनके परमाणु तो अलग अलग ही होंगे। परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, ये बात भी सही है, दो परमाणु आपस में मिलेंगे तो अणु बनेगा। परमाणु अनश्वर है, अर्थात परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो इसने कहा है, चलो इसकी मान लेते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। वीडियो को पॉज करो फटाफट और इसे नोट करो, करो इसे नोट, वीडियो को पॉज कर लिया करो, नोट कर लिया करो। अच्छा, अब डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां। ठीक है, कि डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया है इसमें क्या कमी है, तो हम पढ़ेंगे अब डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां। तो प्रमुख कमियां जो हैं, बहुत कमियां थी पर प्रमुख कमियां आप याद रखें, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में क्या कमियां थी। अच्छा, कमी नंबर एक, डाल्टन ने कहा था कि जो परमाणु है ये अविभाज्य कण है, जबकि परमाणु से इलेक्ट्रॉन पृथक कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जैसे एक सोडियम परमाणु है, इससे इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो Na+ आयन बन जाएगा। तो परमाणु पर अविभाज्य कण कहाँ है, परमाणु तो विभाजित हो गया, एक परमाणु का एक परमाणु दो कणों में टूट गया, एक धनायन Na+ आयन धनायन और एक इलेक्ट्रॉन में। तो इसने कहा परमाणु अविभाज्य कण है, गलत बात, परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, परमाणु से इलेक्ट्रॉन पृथक कर सकते हैं। तो पहली बात में कमी पा गई आपको, तो समझते हैं, तो हम इनको लिखते भी हैं, परमाणु को विभाज्य कर सकते हैं, मतलब तोड़ सकते हैं। ठीक है, विभाज्य कर सकते हैं, जबकि डाल्टन कह रहा था परमाणु तो अविभाज्य कण है, ये टूटता ही नहीं है, परमाणु को विभाज्य कर सकते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन पृथक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, डाल्टन ने कहा था किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, कही थी ये बात, लिख रही है, किसी पढ़ लो कॉपी में, किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, वो जरूरी नहीं है। ये एक ऑक्सीजन परमाणु है 8O16, और ये भी ऑक्सीजन का ही परमाणु है 8O17, दोनों अलग अलग हैं। इसका मतलब क्या है, ढंग से सुन लो, आज तो मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ ये मैंने क्या लिखा है। देखो इधर, ये नीचे जो लिख रही है ये तो है प्रोटोनों की संख्या। परमाणु में देखो तीन चीज़ होती हैं, परमाणु के नाभिक में तो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और परमाणु के बाहर कक्षाओं में मिलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु के अंदर तीन चीज़ होती हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये जब मैंने कोई परमाणु इस तरह से लिखा तो ये नीचे तो प्रोटॉनों की संख्या है, और ऊपर जो ये लिख रही है ये है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, जिसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। तो ऊपर जो ये लिखी हुई है बाईं तरफ, ये द्रव्यमान संख्या है जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या, सही है। अच्छा, अब एक बात बताओ, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं, 16 है, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने हैं, 17 है, दोनों के द्रव्यमान समान हो सकते हैं क्या, वजन, परमाणु में वजन तीन चीजों का, दो चीजों का ही होता है,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्के होते हैं, ना के बराबर वजन। मतलब परमाणु के अंदर अगर वजन देखें हम, इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्के हैं, नगण्य वजन। परमाणु में वजन दो चीज़ों का है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का है। अब दोनों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग हैं, इसमें 16 और इसमें 17, तो दोनों परमाणु के द्रव्यमान अलग अलग नहीं है क्या? ये दोनों हैं तो एक ही तत्व के परमाणु, ऑक्सीजन के, पर दोनों के गुण समान नहीं हैं। तो हाल्टन ने कहा था किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, पर ये हैं समस्थानिक। समस्थानिक क्या होते हैं? किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। द्रव्यमान संख्या अलग तो वजन अलग। अरे इसमें 16 और इसमें 17, तो किसी तत्व के ऐसे समस्था, किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी क्या अलग अलग हो, द्रव्यमान संख्या है। इसमें देखो द्रव्यमान संख्या 16 है, इसमें द्रव्यमान संख्या 17 है। तो किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, तो अपन कह सकते हैं जो समस्थानिक होते हैं उनके द्रव्यमान समान नहीं होते। जबकि डाल्टन के अनुसार किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। तो हम कह सकते हैं डाल्टन के अनुसार, बात को समझोगे तो बुद्धि में बैठेगी। डाल्टन के अनुसार, डाल्टन तो ये कहता है किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। समान होते हैं मतलब उनके द्रव्यमान आकार समान होते हैं, है ना, ये डाल्टन ने कहा था। परंतु समस्थानिक, समस्थानिक जानते हो, एक ही तत्व के परमाणु हैं, एक ही तत्व के परमाणु हैं पर उनका वजन अलग होता है। परंतु समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु हैं पर इनका द्रव्यमान अलग अलग होता है। तो ये बात भी डाल्टन की सही नहीं है, किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु हैं पर इनके द्रव्यमान अलग अलग हैं, मतलब ये अलग अलग हैं पर इनका द्रव्यमान अलग अलग होता है। भाई समझोगे तो फायदे में रहोगे। अवाल समझाया है मैंने, मैंने ये समझाया था एक था 8 और 16 और एक था 8 और 17, दोनों हैं तो ही ऑक्सीजन के, एक ही तत्व के परमाणु पर दोनों के द्रव्यमान अलग अलग नहीं है क्या? इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन 16 है, इसमें 17 है, तो द्रव्यमान अलग अलग नहीं है। तो बताओ उसकी बात सही कहाँ से हुई? नहीं आई मेरी बात, आ गई? अच्छा अब नेक्स्ट बात आती है। इसी तरह से एक होते हैं समभारिक, जिनका भार समान है। क्या बोला मैंने? एक होते हैं समभारिक जिनके क्या समान होते हैं, भार समान होते हैं, सही है। जैसे मैंने लिखा कैल्शियम 40 और ऑर्गन 40। अब दोनों के द्रव्यमान तो समान हैं क्योंकि दोनों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर हैं, वजन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ही होता है, तो दोनों के वजन तो समान हैं, मतलब दोनों के गुण तो मैच करेंगे। तो पर एक कैल्शियम का है और एक ऑर्गन का परमाणु है। डाल्टन कहता है दो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, या दो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक जैसे हैं, ये मतलब दो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान समान है। तो डाल्टन की बात पिट रही है। डाल्टन कह रहा था दो भिन्न भिन्न परमाणुओं के द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। ध्यान करो, दो भिन्न भिन्न तत्व, उसने कहा था दो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं मतलब उनका द्रव्यमान अलग अलग होता है, जबकि यहाँ दो भिन्न भिन्न तत्वों का द्रव्यमान समान है। ये समभारिक है, समभारिक जिनका भार समान और जो अलग अलग तत्वों के परमाणु हों। ये दोनों अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं, इनका भार समान है, इन्हें क्या बोलेंगे? समभारिक।
तो हम कह सकते हैं डाल्टन के अनुसार, डाल्टन के अनुसार भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। ओहो, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, बहुत जोरदार बात। परंतु संभारिक जो होते हैं, जैसे अभाल मैंने एग्जाम्पल दिया था संभारिकों का, एक ऑर्गन 40 और एक कैल्शियम 40, संभारिकों, परंतु संभारिक भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखो तो लिख लेना कौन सा, 8O16 और 8O17। परंतु संभारिक भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु हैं, पर इनका द्रव्यमान समान है। जबकि डाल्टन कहता है दो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न, मतलब उनके द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। संभारिक जो है ये भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु हैं, पर इनका द्रव्यमान समान होता है। देखो कमी है कि नहीं है डाल्टन के सिद्धांत में, परमाणु सिद्धांत में। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा कैल्शियम 40 और ऑर्गन 40, ये दो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु हैं, ये संभारिक हैं, पर इनके द्रव्यमान बराबर हैं क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनमें बराबर हैं, और वजन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ही होता है भाई। क्लियर? और कमी ढूंढे तो डाल्टन कह रहा था, डाल्टन के अनुसार परमाणु अनस्वर है, कहा था इसने लास्ट लास्ट में, भूल गए हो तो आप, अनस्वर है मतलब ना तो बना सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। परंतु जो नाभिकीय अभिक्रिया होती है, नाभिकीय अभिक्रिया ऐसी जिनमें नाभिक भाग लेता है भाई। देखो अधिकांश अभिक्रियाओं में तो परमाणु का इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, पर नाभिक जब भाग ले तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, नाभिकीय अभिक्रिया है। और जब नाभिकीय अभिक्रियाओं में क्या होता है, कुछ कण अल्फा बीटा गामा आदि किरण निकलती हैं, कभी सुनी होंगी आपने, तो परमाणु नष्ट होता है, मतलब परमाणु का क्षय होता है, नष्ट होता है। तो परमाणु नष्ट हो सकता है अगर कोई परमाणु में नाभिकीय अभिक्रिया हो रही हो। आगे देखोगे आप, कभी पढ़ोगे नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, फिजिक्स में आएंगी ये। तो मैं तो यहाँ इतना समझा सकता हूँ कि डाल्टन कहता है परमाणु अनस्वर है, परंतु नाभिकीय अभिक्रिया में, ऐसी अभिक्रिया जिनमें नाभिक भाग लेता है, नाभिकीय अभिक्रियाओं में परमाणु का क्षय होता है, मतलब परमाणु नष्ट होता है। परमाणु का क्षय, परमाणु नष्ट हो जाता है, क्षय होता है, क्षय का मतलब नष्ट होता है, क्षय लिख देता हूं अब, क्षय होता है। ठीक है? और कमी, ये जो गैलुसियक का नियम था, आयतन संबंधित नियम, गैलुसियक ने ये कहा था समान ताप व दाब पर है, समान ताप व दाब पर गैसों के आयतन का अनुपात। डाल्टन गैलुसियक का नियम याद करो, गैलुसियक का आयतन संबंधी नियम, उसने कहा था समान ताप व दाब पर यदि गैसें क्रिया करके उत्पाद भी गैस बनाती हैं, समान ताप व दाब पर यदि गैसें क्रिया करके उत्पाद भी गैस बनाती हैं, तो गैसों के आयतन का अनुपात सरल अनुपात में होता है। नहीं समझा सका इस बात को, समझा कि ऐसा क्यों होता है, गैसें के आयतन का अनुपात सरल अनुपात में क्यों है, कोई परमाणु से लिंक कोई बात बता, नहीं समझा सका। तो ये तो और नियमों को तो समझा दिया इसने, पर इसको नहीं समझा पाया। तो एक कमी ये भी थी कि डाल्टन गैलुसियक के आयतन संबंधित नियम को नहीं समझा सका, आयतन संबंधी नियम को नहीं समझा सका। तो ये मेन कमी है जो आपको याद रखनी है,
पेपर में आ जाए डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमी क्या है, तो आप लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करें, दोस्तों भाइयों नोट करो। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने टॉपिक पढ़े, ये थोड़े हार्ड थे। एक तो हमने अवोगाद्रो नियम का अनुप्रयोग पढ़ा, गैस के आयतन में भार में संबंध, और एक आज हमने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत देखा और उसकी कमियां देखी आपके सामने हैं। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम परमाणु द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान सुना होगा आपने, अणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान आदि के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर को ढंग से पढ़ने के लिए, समझने के लिए, हर चीज़ को समझने की कोशिश किया करो, जब आपके लिए केमिस्ट्री सरल बनेगी, नहीं तो केमिस्ट्री एक हार्ड लैंग्वेज बन के रह जाएगी। बहुत सरल है अगर आप ढंग से समझते हो तो। ठीक है, तो अब दोस्तों हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। वीडियो में को लाइक और कमेंट आप जरूर कर दिया करो, कुछ लड़के आलस करते हैं नहीं करते हैं।